मिलता हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। There's an old saying that all what we do is to eat good food. Well, हमने बहुत बार अपने आसपास सुना होगा लोगों को कहते हुए, इंसान कमाता किस लिए? अच्छा खाने के लिए। जी हाँ, हमारे देश में खाना खाना ही नहीं बल्कि खिलाना भी उतना ही जरूरी है, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, ऑफिस की मीटिंग हो या फिर घर में रिश्ते की बात हो। खाना और खिलाना दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेल, स्वागत है आप सभी का हमारे खाने के शो में, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, आज हम आए हैं गुड़गांव के बहुत ही जाने माने आइबिस होटल में। ये होटल मिलेनियल्स के बीच बहुत ही पॉपुलर है। ना सिर्फ यहाँ की हॉस्पिटैलिटी अच्छी है बल्कि खाना भी बहुत लजीज है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इतने लजीज खाने के पीछे किसकी जादुई उंगलियाँ है। वाह क्या टेस्ट है। Hello viewers. Oh, chef is here. Hello, chef. Hello, Shraddha. How are you? Very fine, chef. आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। All right, chef. So, chef, start करने से पहले, I really want to ask you कि किचन में आपकी सबसे फेवरेट चीज कौन सी है? Shraddha, फेवरेट तो पूरी किचन ही मेरी फेवरेट है, बट क्या है, जो स्टोव, वो उसकी जो आग होती है और मेरे खाना बनाने की जो पैशन की जो आग है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही, मतलब उस दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने के बाद ही जो हम गेस्ट को खाना सर्व करते हैं, उसका बात ही कुछ अलग है। बिल्कुल शेफ, क्या जवाब दिया आपने। वाओ शेफ, बहुत ही अच्छे। तो चलिए फिर शेफ, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का शो हमारे फर्स्ट सेगमेंट से। लेकिन वो बताने से पहले देख लेते हैं फन फैक्ट्स। Do you know that 2.25 billion cups of coffee is consumed daily across the world? Brazil is the world's leading producer of coffee. It produces around 33% of the world's coffee today. It is also the second most traded commodity on earth and was the first food to be freeze-dried. Coffee has a lot of antioxidants which help your body fight free radicals. So coffee bas neend se aapko jagane ke liye hi nahi balki bimariyon se aapko bachane ke liye bhi kaam aayegi. दोस्तों, कॉफी और भी बहुत चीजों के काम आती है, जैसे कि जो जिम गोअर्स होते हैं वो जिम जाने से पहले कॉफी शॉट्स पी के जाते हैं, सो दैट जब वो जिम में जाए तो उनकी एनर्जी डबल हो जाए वर्कआउट करने की। बट यू नो शेफ, मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे कॉफी अगर आपने 1 वीक तक रेगुलरली पी तो चलो ठीक है, या और थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ दिया तो आपस में वो बहुत स्टिकी हो जाती है। व्हाई इज दैट? नाइस क्वेश्चन श्रद्धा। इसको एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन ऑफ द डे कर देते हैं। ये अभी आप और व्यूअर्स हमारे सभी सोचे, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में दूंगी। अपनी तो चलिए आ जाते हैं हमारी फर्स्ट सेगमेंट में। क्या सिखाने जा रही हैं? मैं आज सैलेड ही सिखाऊंगी, जो कि बहुत बहुत नॉर्मल सैलेड होगी, बट इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चेंज होंगे। फ्राइड भी होगा, थोड़ा सा क्रंचीनेस भी होगा, चीज का भी फ्लेवर आएगा। इस सैलेड का नाम है ओवरजिन फेटा सैलेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है रॉकेट लेट्यूस, इसको हम आइसिंग वाटर में अपना डाल देंगे, कोल्ड वाटर में अब इसको डाल देंगे जी। इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ देते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ओवरजिन, जैसे आप देख रहे हैं छोटे बेबी बैगन जी। फ्राई करने के टाइम पे आप देखेंगे ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका कलर भी। अब हम इधर आ जाते हैं, ये गैस ऑन करते हैं। जब तक ये होगा तब तक हम अपना ड्रेसिंग रेडी करते हैं श्रद्धा। ऑलराइट शेफ, अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। एक बाउल लेंगे,
उसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, इसके बाद विनेगर, ब्लैक पेपर क्रश, शुगर और सी सॉल्ट को विस्कर की हेल्प से इसको बीट करेंगे। बाद में हम थोड़ा सा लेमन जूस ये हमारी ड्रेसिंग रेडी हो चुकी है। ये बहुत इजी तरीका है इसका। जब इसको फ्राई करने के बाद निकालेंगे, नैपकिन पेपर रख के इसको हम स्लो आंच पे ही फ्राई करेंगे। सो शेफ, बेसिकली ऑबजीन और बैंगन में, लाइक ब्रिंजल में, क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ साइज का और कुछ और भी बेसिक डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस नहीं होता एक्चुअल में। इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है कंट्री का। इसको यूएस में इसको अवर्जिन के नाम से जानते हैं, इसको एक्प्लांट के नाम से जानते हैं साउथ एशिया। अब इसको स्लो आंच पे फ्राई होने देंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने लेटस पे। ये हमारा लेटस खिल के ऊपर आ चुका है। इसके बाद इसको हम ड्रायर में ड्राई करेंगे। शेफ, अगर हम एग प्लांट की बात करें तो ये हमें कितने डीप फ्राई करने हैं? बेसिकली हमें क्रिस्पी चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए? नहीं, हमें ये क्रिस्पी चाहिए। क्रिस्पी होने के बाद ये अब जैसे फ्राई होके बाहर निकलेगा ये बिल्कुल मोल्ड हो जाएगा। ये इसकी जो कटिंग होती है श्रद्धा, वो जितना पतला कट सके उतना ही क्रिस्प आएगा, उसका कलर उतना ही अच्छा गोल्डन निकलेगा। जैसे ये हो चुका है, उसको हम निकाल देते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, जब तक ये सैलेड एग्रांट थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसका ऑयल पूरा ऑब्जर्व कर लेता है टिश्यू, तब तक हम इसको छोड़ देते हैं। ड्रेसिंग इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर सी सॉल्ट, ये श्रद्धा अब इसका जो फ्लेवर है वो सारे लेटस में मिल चुका है, उसको हम थोड़ा साइड कर देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने गार्लिक ब्रेड पे, क्योंकि गार्लिक ब्रेड के बिना तो सैलेड हमारी अधूरी है। ये हम अपना गार्लिक बटर इस पर स्प्रेड करेंगे। शेफ, गार्लिक ब्रेड की अगर बात करें तो ब्रेड में ही गार्लिक होता है। अगर हम ब्रेड पे बटर गार्लिक लगाएंगे उसका अच्छा फ्लेवर होगा, या फिर गार्लिक वाली ब्रेड पे अगर बटर लगाएंगे उसका अच्छा फ्लेवर होगा? अगर हमें गार्लिक फ्लेवर ज्यादा चाहिए तो हम गार्लिक बटर ऊपर से स्प्रेड करेंगे। और शेफ, अगर हम घर में गार्लिक बटर नहीं है, नॉर्मल बटर को गार्लिक बटर कैसे बनाया जा सकता है? नॉर्मल बटर को इजी है, गार्लिक लीजिए, पील कीजिए, उसको फाइन चॉप कर दीजिए, उसके बाद बटर में गार्लिक को डाल दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए। ऑलराइट, मिक्स करने के बाद आप स्प्रेड कर सकते हैं। परफेक्ट, वाओ। तो देखा कितनी इजीली आपने घर पे बैठे बैठे गार्लिक बटर बनाना भी सीख लिया। तो श्रद्धा, अब मैं जाती हूँ उसको बेक करने के लिए। ऑलराइट शेफ। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि सैलेड हम इतने ज्यादा क्यों इंक्लूड करते हैं? बेसिकली जितने भी डाइट कॉन्शियस पीपल होते हैं उनको सैलेड से बहुत प्यार होता है, लेकिन लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि सैलेड डिफरेंट डिफरेंट इतने होते नहीं है, माइंड में ही नहीं आता कि कौन सा सैलेड कब बनाया जाए, और बाहर जाके इतने एक्सपेंसिव सैलेड्स खाना नॉट डन। बिल्कुल श्रद्धा, अब हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं अपने सैलेड के साइड। इसके नीचे हम लगाएंगे बटर पेपर, हमारा सैलेड
को हम पहले से ही मिक्स कर चुके थे। ये हमने फैला दिया अपना लेटिस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने फ्राई किए हुए एग प्लांट पे। अवर्जिन, जो कि इसका नाम है अवर्जिन फेटा सैलेड, इसको हम चारों साइड से इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज क्यूब्स में से। वैसे फेटा चीज है तो हम इसको काटने की तो करेंगे ही नहीं, बट आप स्पून की सहायता से आप इसको डाल सकते हो। ये हम ऐसे डाल चुके हैं। इसके बाद हम डालेंगे ऊपर से चिली फ्लेक्स, सिर्फ और सिर्फ फेटा चीज के ऊपर ही डालेंगे क्योंकि वाइट है, इसी के ऊपर हम अपना ऑरेगानो। ऑनेस्टली टेलिंग यू, देखने में बहुत सुंदर लग रही है शेफ, आई एम श्योर ये टेस्ट करने में भी उतनी ही डिलीशियस होगी। श्रद्धा, आपका सैलेड रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको पसंद आए और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आए, तो आप प्लीज इसे टेस्ट कीजिए। थैंक यू शेफ, ऐसा लग रहा है मैं आपसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले रही हूँ अपने हाथ में। थैंक यू सो मच, क्योंकि इसमें इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, आई एम श्योर ये खाने में भी बहुत ही डिलिशियस होने वाला है। आई एम श्योर मेरे जितने भी डाइट कॉन्शियस व्यूअर्स हैं वो तो सबसे पहले चाहते हैं मैं इसे टेस्ट करके बताऊँ। सो here goes the eggplant, some rocket leaves, some feta cheese. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो आपने ऑबजीन डाला है वो अभी तक बहुत क्रिस्पी और उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है ऑनेस्टली। और जो रॉकेट लीफ है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर है, प्लस फीटा चीज़ आई गेस बिल्कुल राइट चॉइस है इसमें चीज़ चूज करने की, क्योंकि वो एक डिफरेंट फ्लेवर दे रही है। जो ड्रेसिंग हमने इसमें डाली है हल्की सी स्वीट है, बहुत ज़्यादा टैंगी है, थोड़ी सी स्पाइसी है, ऑल एंड ऑल बहुत ही डिलिशियस है। आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगी। जल्दी से इसका रीकैप देख लीजिए, कोई स्टेप आई डोंट थिंक सो मिस करा होगा बिकॉज आई नो आप बहुत इंटरेस्टेडली देख रहे थे, फिर भी अगर रह गए गो फॉर अ रीकैप। ऑबजीन फीटा सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले लेटिस के पत्तों को ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखें। अब बैगन लेके उसे थिनली स्लाइस करें। सैलेड ड्रेसिंग बनाने के लिए एक बोल में ऑलिव ऑयल, विनेगर, क्रश ब्लैक पेपर, शुगर, सी सॉल्ट एंड लाइम जूस डाल के अच्छे से विस्क करें। दूसरी तरफ एक पैन में ऑयल डाल के उसमें स्लाइस्ड बैगन को क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। अब लेटस के पत्तों को ठंडे पानी से निकाल के ड्राई करें। अब लेटस के पत्ते प्लेट पे रख के उसके ऊपर ड्रेसिंग, सी सॉल्ट डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर एक स्लाइस ब्रेड में गार्लिक बटर डालकर उसे बेक करें। सैलेड इज रेडी। गार्निश करें क्रिस्पी फ्राइड ऑबजीन एंड फीटा चीज से, सर्व करें टोस्टेड गार्लिक ब्रेड के साथ। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, फर्स्ट सेगमेंट में हमने सीखा ऑबजीन फीटा सैलेड बनाना। वेल, ये तो बात रही ऑबजीन फीटा सैलेड की। अब जो अगली सेगमेंट में शेफ आपको सिखाने वाले हैं, आई एम श्योर वो सीख के आप बहुत खुश होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शेफ सिखाएंगे होम मेड हैंड बीटन कॉफी बनाना। तो चलिए चलते हैं शेफ के पास। वाह क्या टेस्ट है। वाकया टेस्ट के सेकंड सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसा लेके आई हूँ जिसके बिना हमारा दिन, हमारी रात मतलब अधूरा है, हमारा पूरा दिन अधूरा है। मैं आज बनाने जा रही हूँ हैंड बिटन कॉफ़ी। कॉफ़ी तो आपने सुनी ही होगी, कॉफ़ी बहुत तरीके से बनाई जा सकती है, लेकिन आज मैं आपको जो बनाने जाऊंगी वो थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़ा सा डिफरेंट उसका कॉन्सेप्ट होगा, बट फिर भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉफ़ी पाउडर की। शुगर, शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम इसको बीट करने वाले हैं।
इसके बाद जो वार्म वाटर हमने रखा था, हम इसको चलाने का तरीका एक ही एंगल में चलाएंगे क्लॉकवाइज। अगर इस एंटी क्लॉक हम इसको चलाएंगे तो ये कॉफी हमारी फट सकती है। तो देखिए, इसको हम 10 मिनट तक कंटिन्यू चलाएंगे। कंटिन्यू चलाने के बाद इसका कलर जो होगा शुगर का, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये वाइटिश कलर में आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये बिल्कुल क्रीमी उसमें आ चुका है फॉर्म में। अब हमारी कॉफी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम जाते हैं अपना दूध गर्म करने के लिए। दोस्तों, फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आपसे पूछा था कि कॉफ़ी को ओपन करने के बाद, लाइक उसकी सील टूटने के बाद, कोई भी ड्रिंकिंग मिल्क ड्रिंकिंग पाउडर जिसके बाद हम उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, जमने से कैसे बचा सकते हैं हम उसको। इसका आंसर ये है कि हम इसको एयर टाइट जार में कॉफ़ी के ऊपर का एरिया पूरी तरह से कवर करके इसको टाइटली बंद करके स्टोर कर सकते हैं, और ये काफ़ी दिन तक स्टोर हो सकता है। हमारा दूध बॉईल हो चुका है, जैसा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गर्म हो चुका है दूध। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, ऊपर से इसलिए फ्रॉथ आने के लिए। ये हमारा क्रीमी कॉफी मिक्सचर रेडी हो चुका है। 1 टीस्पून हम अपने कप में डाल देंगे। देखिए, हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। इसका जो फ्लेवर होगा वो बिल्कुल नॉर्मल कॉफ़ी किससे थोड़ा अलग हटके होगा। ये क्रीमी बेस में जाएगा और ये बहुत ही मीडियम कॉफ़ी है। अब इसके साथ हम दूसरा कुछ और ट्राई करते हैं। इसके साथ ही हम मस्का बन पे जाते हैं। ये हमारी कॉफ़ी एक साइड रख देते हैं, गर्म है ये। हम अपना बन लेते हैं, इसको बीच में से कट करेंगे। ये ऐसे हो जाएगा कट करने के बाद। हम बटर अप्लाई करेंगे, मेल्टेड बटर। इसको हम ऐसे लेयर करेंगे, थोड़ा ज़्यादा बटर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, बन के ऊपर। इसमें आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैन की ज़रूरत नहीं है। ये घर में आप इजीली अपने घर पे शाम के इवनिंग टी के टाइम पे बना सकते हैं। इसके बाद हम शुगर लेंगे, शुगर को ऐसे स्प्रेड करेंगे बन के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करेंगे। देखिए, हमारा शुगर इसमें अब दिख नहीं रहा है। इसके ऊपर हम फिर से इसको बंद कर देंगे। कवर करने के बाद ये हमारा बन रेडी है। अब इसको हम बीच में से कट कर देंगे। जैसा आप देख रहे हो, इसके साथ हम अपना हैंड बेटन कॉफ़ी जो हमने पहले बनाया था ये सर्व करेंगे। इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इससे कुछ भी मिस हो रहा हो आपसे तो प्लीज़ इसका रिकैप जरूर चेक कीजिए। हैंड बीटन कॉफी विद मस्का बन बनाने के लिए सबसे पहले एक कप में कॉफी, शुगर और थोड़ा गर्म पानी डाल के 10 मिनट तक फेंटे। अब दूसरी तरफ एक पैन में दूध गर्म करें और दूध को एक कप में फिल करें। दूध के कप में एक चम्मच फिटी हुई कॉफी डाल के स्टर करें। मस्का बन बनाने के लिए एक बन लेके बीच से कट करें और उस पे बटर और ग्रैनुलेटेड शुगर स्प्रेड करें। अब मस्का बन को बीटन कॉफी के साथ एंजॉय करें। For me to say goodbye to you. I hope आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आज की जो रेसिपीज थी वो डिफरेंट तो थी ही डेफिनेटली, लेकिन हेल्दी भी उससे ज्यादा थी। सो दोस्तों, अगर आपको अपने फीडबैक, सजेशंस, रिव्यूज हमें भेजने हैं तो हमारा मेल आईडी है wahkyataste@gmail.com। सो नाउ व्हाट, आपकी मेल भरने का टाइम है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज जो मैं मेल पढ़ने वाली हूँ वो है मुंबई से अनीता की। वो बोलती है, वाह क्या टेस्ट है कि वाह क्या बात है। ये शो अब सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली का फेवरेट बन चुका है।
I love the fact we are just not watching, but actually trying out the recipes. Thank you, Vakya Taste Hair, for providing viewer-friendly recipes. Thank you so much, Anita, अपने इतनी अच्छी-अच्छी मेल लिखने के लिए. Well, हम try करेंगे आने वाले episodes में भी आपको ऐसे ही अच्छी-अच्छी delicious recipes सिखाते रहे. So, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले episode में. तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल. नमस्कार. की तेज आंच भी हो, मसाला कड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है. वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है. Yeah.